अनुजी रुकिए। अरे वो कुछ बोल रही है। अरे भैया उसने अभी पकड़ लिया तो बहुत दिमाग खाएगी यार। अब चलो ना। सॉरी भाभी, अब चलो यार भैया। अरे 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 मेनका भाभी, मेनका भाभी आपको। अनुज भैया, हम आपको मना किए थे ना कि हम साथ में चलेंगे, लेकिन नहीं, सब्र नाम की तो चीज ही नहीं हमारी भाभी के पास। हानी तुम भी ना, जब शरद ने हेल्प ऑफर की थी तो साथ क्यों लेके गई, अभी गिर जाती। अरे लेकिन मार्केट से तो अकेले लेके आया ना, यहाँ पे तो ये टक्कर हो गई तो सब इधर उधर हो गया। सुहानी। हाँ माँ। कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? माँ आप कमरे में आई, सब दिखाते हैं आपको। वैसे एक बात कहें गुरु, आज से पहले क्रिसमस पे इस घर में कभी रौनक नहीं हुई, लेकिन सुहानी भाभी ने इस बार रंग जमाई दिया। क्योंकि सुहानी के नाम का वायरस लग गया ना। मतलब? मतलब कि जिसको देखो बस सुहानी की तारीफ कर रहा है, सबको अपनी चपेट में ले लिया। इट्स अ फास्ट स्प्रेडिंग वायरस। अब सुहानी भाभी काम ही ऐसा करती है हमारी। गुस्सा मत चल। ऐसे ही बता दें, पैकिंग क्यों खराब कर रही है? नहीं माँ, फिर से पैक कर देंगे, लेकिन हमें आपको दिखाना है। आप देखिए और बताइए कि कैसा लग रहा है। कैसा है? आप रो क्यों रही हैं? अच्छा नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। कैसी बातें माँ? बचपन में युवराज के लिए जब टी शर्ट लाती थी तो ऐसे ही खुशी खुशी इनको दिखाया करती थी, और युवराज पूरा दिन इंतजार करता था अपना टी शर्ट देखने के लिए। बस वही बीते हुए पल याद आ गए और आंखें भर आई। बेटा सुहानी, मैं बहुत खुश हूँ मेरे बाद तू है युवराज का ख्याल रखने के लिए। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? आप कहीं नहीं जा रही, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये क्रिसमस गिफ्ट लाई है सुहानी चाची युवराज भैया के लिए। माँ पार्टी खत्म होने के बाद ना ये हम युवराज को देंगे, उन्हें पसंद तो आएगा ना? बहुत पसंद आएगा, पर अब बाहर जाओ और शरद और युवराज की मदद करो। पार्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उनकी नहीं। जी माँ, जाते हैं। अच्छा सुनो, स्टार को ना एकदम ऊपर लगाना, एकदम उधर। और कुछ मैडम जी? नहीं बस। तुम्हें पता है युवराज, कहते हैं इस बिल को घर में लगाने से ना सुख शांति आती है, ढेर सारी खुशियां आती हैं, और घर को किसी की नजर नहीं लगती। ही देखो इसमें भी ये लिखा है। पता है। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि सब ठीक है या नहीं? बहुत सुंदर लग रहा है। तैयार हो जाओ, गेस्ट भी आ रहे हो। सुनो ना, देखो तो इसमें क्या लिखा है। पता है। अरे एक बार पढ़ो ना। क्या लिखा है? इस बेल के नीचे किस कर। सावरे ओ सावरे
की जैसी हरकतें करे। उसे समझ में क्यों नहीं आता कि दूसरों पर अपने आप को इस तरह से नहीं थोपते। काश उसे कोई समझा पाता, पर देखना जिस दिन मुझे मौका मिला उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। सुहानी ने पार्टी काफी अच्छी अरेंज की है। हाँ, स्वीट एंड सिंपल। मैं तो बोलता हूँ अभी को इवेंट मैनेजर बन जाना चाहिए। इवेंट्स काफी अच्छे प्लान कर लेती है भाभी। अरे सोमू, तुम्हारी पट्टी कहाँ गई? वो डॉक्टर ने कहा कि मैं पट्टी हटा सकती हूँ। अरे वाह। अरे वाह सुहानी, इतने बड़े घर की बहू बन गई पर रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया तुझमें, है ना? ये तो सही बात है। आंटी जी, हम बदलाव करते नहीं, बदलाव लाते हैं। बिल्कुल सच कहा, इसने तो हमारे घर को बदल ही दिया। सच में प्रतिमा जी, इसने तो हमें यहाँ बुलाकर हमें भी जवान बना दिया। बिल्कुल सही। अरे सौम्या बेटा, कैसी है तू? ठीक हूँ आंटी। चलो ना वहां जाके थोड़े गप्पे मारते। आंटी गप्पे बाद में मारेंगे, और ये आप फ्रूट पंच लीजिए ना। अरे सोमया बेटा, बस ये सब बाद में। वो आंटी, अब मैं मेजबान हूँ ना, तो मुझे और भी गेस्ट को देखना है। आप लोग एंजॉय करिए। अरे अरे, ये घर तो सुहानी का है ना, फिर सोमया कैसे मेजबान है? अरे सुहानी। जी आंटी। ये सोमया कुछ बदल गई है ना? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ी परेशान है। अरे लेकिन बस। अच्छा आप दोनों मस्ती करी, हम बस यूं आए। सोमया परेशान लग रही है। काय की परेशान, ये तो अच्छा खासा खिलखिला कर हंस रही है। छोड़ो ना, लेट्स एंजॉय। छोड़ो, क्या हुआ भाभी? ये भैया, ये आपके लिए। अरे हमें लिए गिफ्ट, देखे हमारे परिवार के सबसे अच्छे भैया। हबीब, बहुत ही कम लोग हैं जो हमें अपने परिवार में गिनते। थैंक यू, आपने हमें अपना मान लिया। ओहो पिए भैया, आप इस परिवार का भी हिस्सा हैं और हमारी जिंदगी का भी। वो क्या कहते हैं, ज्यादा सेंटियाने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? ये लो शरद भैया, अपने आंसू पहुंच लो। वो कहा है ना, सोनी भाभी की गिफ्ट से हमारी भी आंखें भर आई थी, इसलिए हम आपकी हालत समझ सकते हैं भैया। ओहो, सबको हुआ क्या? जिसको देखो वही सेंटिया पड़ा है, हा? नहीं भाभी जी, सच बताएं आपको, आज से पहले हमें किसी ने इतना प्यार नहीं दिया। हमें आपका तोहफा बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि तुम सौम्या के लिए क्या लाए? भाभी जी ऐसा तोहफा लेके आए जिसे देख के बहुत ही खुश हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, चलो फिर वो बाद में देखते हैं। सौम्या तुम क्या लाए युवराज के लिए? दादी मैं एक स्वेटर लाई हूँ 25,000 का। वाह, फिर तो हमें पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छा होगा। दादी सुहानी जीजी ने भी ना बहुत प्यारा स्वेटर लिया है युवराज भैया के लिए, पर वो इतना महंगा नहीं है। मैंने फोन भी तो किया था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने उठाया नहीं। पर मम्मी जी ना बड़ी भलाइयाँ ले रही थी सुहानी जीजी की। मम्मी जी को तो वैसे भी डाउन मार्केट चीजें ही पसंद आती है, तभी तो सुहानी को चुना है युवराज के लिए। पर वो स्वेटर ना सच्ची में बहुत स्मार्ट है, युवराज भैया को पसंद आ सकता है। मैं नहीं मानती। ओहो, यहाँ आप नहीं मान रही हो और वहाँ अनुज जी नहीं मान रहे। अनुज जी, मिनका मामी रुकिए रुकिए रुकिए। मिनका एक काम करो, ये बेल लो और जाके अनुज को किस कर दो, फिर वो तुमसे दूर कभी नहीं भागेगा।
हाय किस। मुझे ना बहुत शर्म आती है, फिर भी आप कहते हो तो मैं जाती हूँ। स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।